अगला सवाल है, क्या काला धागा बांधने से नजर नहीं लगती या कोई परेशानी या बुराई हमारे पास नहीं आती? काला धागा बांधना चाहिए या नहीं, काला धागा बांधना चाहिए या नहीं, जो गले में, पैर में और हाथों में काला धागा बांधते हैं, सोचते हैं कि इससे नजर नहीं लगनी या कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। हम ईमान वाले, हम मुसलमान हैं, हम किसकी बात मानेंगे? अल्लाह की और अल्लाह के रसूल की। तो क्या अल्लाह तआला ने कुरान में कहीं भी कहा कि काला धागा बांधने से नजर नहीं लगती या कोई परेशानी नहीं आती? क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा? नहीं कहा। काला धागा बांधने पर भी अगर बांध दिया किसी ने काला धागा, तो क्या उस पर कभी परेशानी नहीं आएगी? क्या उसको नजर नहीं लगती? क्या ऐसा होता है हमेशा कि किसी शख्स को देखे तुमने कि वो काला धागा बांधता है, इसलिए अभी तक उन पर कोई परेशानी नहीं आई, कोई प्रॉब्लम नहीं आई या उनको नजर नहीं लगी? एक ईमान वाला, एक मोमिन इन सब चीजों पे यकीन नहीं रखता। ईमान वालों का यकीन तो है अल्लाह पर, अल्लाह पर यकीन ईमान वालों का। अल्लाह ताला फरमाता है सूरह अज़्ज़ुमर सूरह नंबर 39 आयत नंबर 3, अल्लाह ताला फरमाता है क्या अल्लाह अपने बंदों की मदद के लिए काफी नहीं, क्या काफी नहीं है अल्लाह ताला? और लोग तुमको अल्लाह के सिवा दूसरों से डराते हैं, और जिसे अल्लाह गुमराह कर दे उसे कोई भी हिदायत नहीं दे सकता। अल्लाह अपने बंदों की मदद के लिए काफी है, लोग तुमको अल्लाह के अलावा दूसरों से डराते हैं। डर है इसलिए डर डर के बांधते ना, डरो मत। लोग तुमको अल्लाह के अलावा दूसरों से डराते हैं, डरो मत, अल्लाह मदद के लिए काफी है। और जिसे अल्लाह गुमराह कर दे, जिसको अल्लाह गुमराह कर दे उसे कोई हिदायत नहीं दे सकता। तो गुमराह होने से बचे, अल्लाह पर यकीन रखे, अल्लाह हमारे लिए काफी है। क्या अल्लाह हमारे लिए काफी नहीं? एक काला धागा या कोई और चीज हमारी कोई मदद नहीं कर सकती और ना हमारा कुछ बिगाड़ सकती, या इसी तरह की कोई और चीजें जिसके बारे में ना अल्लाह ताला ने हमें कहा और ना ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसके बारे में हमसे कहा है। जितनी भी चीजें हैं वो हमें ना फायदा पहुंचा सकती है और ना नुकसान पहुंचा सकती है। तो अल्लाह पर यकीन रखें, बेशक अल्लाह हमारे लिए काफी है और बेहतरीन कारसाज है। अल्लाह ताला फरमाता है सूरह तकाबुन सूरह नंबर 64 आयत नंबर 11, अल्लाह ताला फरमाता है जो भी मुसीबत आती है, जो भी परेशानी आती है, वो अल्लाह के इज्न से आती है, अल्लाह की इजाजत से आती है, और जो अल्लाह पे यकीन रखता है तो अल्लाह उसके दिल को राह दिखाता है। तो ईमान वालों को चाहिए कि वो अल्लाह पर यकीन रखें, अल्लाह हमारे लिए काफी है, और जो अल्लाह पे यकीन रखता है तो अल्लाह उसके दिल को राह दिखाता है। और जो यकीन नहीं रखता, जो डरता है लोगों से, जो नहीं समझता कि अल्लाह काफी नहीं है हमारे लिए, जो कहता है हमारे लिए अल्लाह काफी नहीं, हमको ये धागे बांधने की जरूरत है, तो अल्लाह ताला फरमाता है कि जिसे अल्लाह गुमराह कर दे उसे कोई हिदायत नहीं दे सकता। सवाल पूछने के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। पहले अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना सवाल आप मुझे व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9561942454। आप अपना सवाल मुझे इंस्टाग्राम पर भी भेज सकते हैं या फिर आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं talatbek988@gmail.com। आप अपना सवाल कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं।